जय श्री कृष्ण। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर होती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम की प्रतीक थी। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी है। कथा यूं है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस के भेजे हुए एक अरिष्टासुर का वध कर दिया था। अरिष्टासुर बैल का रूप धारण करके आया था। यही वजह थी कि राधा और अन्य गोपियों ने कृष्ण को गौ का हत्यारा मान लिया। कृष्ण ने राधा को समझाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैल को नहीं मारा बल्कि एक असुर को मारा है। हालांकि राधा यह सुनकर भी नहीं मानी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी जमीन पर पटकी और वहां जल की धारा बहने लगी जिससे एक कुंड बन गया। श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों से यहां आने के लिए कहा और सभी तीर्थ वहां उपस्थित हो गए। इसके बाद सभी कुंड में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने कहा कि इस कुंड में स्नान करने वाले को एक ही स्थान पर सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलेगा। इस घटना की निशानी आज भी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में कृष्ण कुंड के रूप में मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भारतीय जनमानस में रच गई हैं। उन्हीं लीलाओं में उनकी प्रेम लीला भी शामिल है। भगवान श्री कृष्ण और राधा आध्यात्मिक प्रेम के प्रतीक हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। हालांकि एक बार ऐसा भी हुआ जब राधा श्री कृष्ण से दूर दूर रहने लगी। यहां तक ही राधा ने कृष्ण से ये भी कह दिया कि मुझे मत छूना। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति कृष्ण को 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण को राधा और बांसुरी दोनों ही बहुत प्रिय थी। श्री कृष्ण की ये दोनों प्रिय चीज एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी थी। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले ही ना हुआ हो, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी बांधे रखती थी। कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए। जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे उससे पहले वे राधा से मिले। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि का पता था। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मणी से कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी ने कई तरह के जतन भी किए। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मणी ने श्री कृष्ण से शादी की। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी उसी तरह से रुक्मणी भी करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र लिखा जिसमें लिखा कि वह यहाँ आकर उन्हें यहाँ से ले जाएं। उसके बाद रुक्मणी के पास कृष्ण गए और शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया था तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर हो जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया और उसके बाद कृष्ण द्वारका चले गए प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद उन्हें द्वारकाधीश के रूप में जाना जाने लगा। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी ने ले लिया था। एक यादव से राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी हो गई, लेकिन कृष्ण के लिए उनका मन हमेशा समर्पित रहा। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे, वहीं अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए।
राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गईं, तब वह अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। राधा को श्री कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर पता चला, लेकिन वे बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वे बेहद खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों के जरिए ही काफी देर तक बातें की। कान्हा की नगरी द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन करती थी। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था, इसी वजह से उन्होंने महल से दूर जाने का फैसला ले लिया था। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाएंगी। वह कहां जा रही हैं उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, राधा अकेली और कमजोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने उनसे इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक बार उनके लिए बांसुरी बजा दें। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में बजाने लगे। दिन रात तब तक बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गईं। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त वह नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद जीवन में कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रहें। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जन सत्य के सभी दर्शकों को इस्कॉन मंदिर हिमाचल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन पर विशेष भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तरफ से हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाय, दिस इज अरुण बख्शी, एक्टर सिंगर। जन सत्य न्यूज़ के सभी श्रोताओं को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन सत्य चैनल के दर्शकों को जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए। मेरी दर्शकों से अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी COVID-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए हम मनाएं। लोकतंत्र 4 खंभों पर टिका है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। इसके जिस खंभे में भी घुन लग जाएगा लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ेगा। जैसा जन सत्य चैनल का नाम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जन तक सत्य, निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी खबरें आप पहुंचाने का काम करेंगे। और ये भी देखने में आया है कि आपकी चैनल के माध्यम से कई बार शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को न्याय भी मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस गौरवशाली परंपरा को निभाएंगे और चैनल की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।